फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से, और बैक साइड इसका इस तरह से दिखेगा। आइए सीखते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। पहला वाला फंदा है, इसको हम निकाल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इधर मैं इसको बना लेती हूँ। दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, साइड में दो फंदा सीधा बना लेना है। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे, चार फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ रखेंगे, चार फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन की थर्ड रो, पहले वाले फंदे को हमने एक्स्ट्रा फंदा सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे। अब क्या करना है, पहले हमने उल्टा फंदा सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे और सीधा फंदा उल्टे हाथ की सिलाई में रख लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो, धागा आगे की तरफ। अब ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, सीधा फंदा को हमने इधर रखना है, उल्टे फंदा को हमने अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से उल्टे हाथ की सिलाई से हमने उल्टा फंदा ले लिया और सीधे हाथ की सिलाई से सीधा फंदा ले लेंगे। इसके बाद हमने इसको सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को उल्टा फंदा बना लेंगे। इस फंदे को हमने इसके बाद इस फंदे को लेना है, सेकंड वाले फंदे को लेंगे और सीधे फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में रख लेंगे। और पहले इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ रखेंगे, इस सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ रखेंगे, ये सीधा फंदा इधर को रखना है और उल्टा फंदा हमने पीछे की तरफ रखना है। सीधा फंदा को हम आगे लेके सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, ये सीधा फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है। यहाँ पर हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे बना लेना है, रॉन्ग साइड से। ये सीधा है, इसको सीधा बना लेंगे, ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, दो फंदा सीधा, एक दो, ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। फोर्थ रो भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे साइड वाला। डिज़ाइन की फिफ्थ रो, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे को अंदर की तरफ रखना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे।
अभी सीधा फंदा दिख रहा है, ये उल्टा फंदा दिख रहा है। अब इधर हमने क्या करना है, इस फंदे को पहले ले लेंगे और सीधे फंदे को हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर धागा आगे की तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। और इधर हमने ये सीधा फंदा दिख रहा है, ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इधर हमने क्या करना है, उल्टे फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे, सीधे फंदे को सीधे हाथ की सिलाई में रख के इसको हमने आगे की तरफ रख के सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा और ये चौथा फंदा है, इसको हमने सीधे हाथ की सिलाई से पहले ऐसे रखना है, फिर उल्टे हाथ की सिलाई से सीधे फंदे को हमने इस तरह से लेना है, और इधर हमें चौथा फंदा है इसको भी हम उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये सीधा फंदा है ये उल्टा फंदा, इसको भी हमने उल्टे हाथ की सिलाई से पहले हमने उल्टे फंदे को रख ले लेना है, फिर सीधे हाथ की सिलाई से इस तरह हमने सीधे फंदे को आगे की तरफ रखेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे। इधर हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है, सिक्स रो, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ रखेंगे, इधर हम चार फंदा सीधा बना लेंगे, दो फंदा उल्टा साइड में, दो फंदा सीधा साइड वाला फंदा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। सिक्स रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन बनने के बाद हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो की तरह दो रो हमने दो फंदा सीधा बना लेंगे, एक फंदा सीधा और यहाँ पर हम दो फंदा ये सीधा उल्टा बना लेंगे, सॉरी, और दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, फर्स्ट रो की तरह हमने चार फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा बना लेंगे दो रो तक, ये हमारी फर्स्ट रो है। साइड वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड रो, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और जो फंदे दिख रहे हैं सीधे दो इनको सीधा बना लेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ रखेंगे, चार फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से बन गया है फ्रेंड से। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों फंदों को मोड़ बनाना है। पहला वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, जो उल्टा फंदा इसको हमने उल्टा बना लेना है, और अब इधर इन दोनों फंदों में हमने ये सीधा फंदा को आगे की तरफ रखेंगे, सीधे हाथ की सिलाई से इसको हमने आगे की तरफ रखना है, इस तरह से हम आगे की तरफ रख के इसको हम सीधा बना लेंगे। इस तरह इसको हमने सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है और इसको हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रख लेना है, सीधे फंदे को उल्टा इसको फिर हमने उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ रखेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ,
अभी सीधा फंदा को हमने आगे की तरफ रखना है और उल्टे फंदे को हम अंदर की तरफ ले लेंगे। सीधे हाथ की सिलाई से इस फंदे को हम आगे की तरफ रखेंगे और सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा। इधर हम इस फंदे को पहले ले लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से ले लेंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ एक फंदा उल्टा, इसको उल्टा बना लेंगे, साइड वाला फंदा इसको सीधा बना लेंगे, रॉन्ग साइड। सीधे में सीधा बना लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे। यहाँ सीधा फंदा दिख रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। ऐसा फंदा इसको सीधा बना लेंगे। अब इधर क्या करना है, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इसको हम पहले उल्टे हाथ के सिलाई से उल्टा फंदा को ले लेंगे। सीधे हाथ की सिलाई से हमने सीधा फंदा ले लेना है और इसको आगे रख के इसको सीधा बना लेना है। इस तरह से सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेना है, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। धागा अब इसको क्या करना है, सीधा फंदा दिख रहा है और इस फंदे को हम सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इसको हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रख के इस तरह से ले लेना है। फिर ये चौथा फंदा हो गया, इसको भी हमने उल्टा बना लेना है। धागा आगे की तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है। अब इस सीधे फंदे को हमने अंदर की तरफ लाना है और इसको पहले उल्टे हाथ की सिलाई से हमने इस फंदे को लेना है, फिर सीधे हाथ की सिलाई से इसको हमने अंदर की तरफ लेके सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, एक दो, ये तीसरा फंदा और इधर ये चौथा फंदा उल्टा है, इसको हम पहले सीधे हाथ की सिलाई से ले लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से लेके पहले हम उल्टा फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, फिर सीधा फंदा बना लेंगे, साइड वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे, रॉन्ग साइड। जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है। सीधे में सीधा बना लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, एक दो तीन चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक दो चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, इधर दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स। से आप इसको चैन स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, पूरा बन के इस तरह से दिखेगा। थैंक यू।